अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान और आज हम डिस्कस करेंगे द 4 आवर वर्क वीक रिटन बाय टिम फेरिस। 7 लेसन्स जो कि मैंने इस बुक से ड्राइव किए हैं, और नीचे टाइम स्टैम्प्स भी दिए हैं। अगर आप इसी में जाना चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट। पारेटो प्रिंसिपल, 80% ऑफ द रिजल्ट्स that you required come from the 20% of the things you do। जो है पेरेटो बेसिकली 1800 के अंदर एक इकोनॉमिस्ट था जिसने यूके के अंदर जो है ना वेल्थ की डिवीजन को स्टडी किया। उसने देखा कि जो 80% ऑफ द वेल्थ थी वो 20% ऑफ लोगों के पास से आ रही थी, यानी कि 20% जो है पॉपुलेशन उस 80% ऑफ वेल्थ उनके पास थी, तो बाकी जो 80% पॉपुलेशन रह गई थी उनके पास सिर्फ और सिर्फ 20% की वेल्थ थी। तो उसने ये देखा तो ये बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि ये क्या फिनोमेना है। फिर जब उसने सारी चीज़ों के अंदर देखना शुरू किया तो उसने इस बात को नोट किया कि 80% एंड 20%, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी अगर आएगी तो 20% चीज़ों से 80% आपकी ज़िंदगी की खुशी होगी। अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप सिलेबस को देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो 20% होते हैं, और उन्हीं से 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर आता है। इसी तरह अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके जो 20% कस्टमर्स हैं वो आपको 80% रेवेन्यू देते हैं। लेकिन फेरिस ने देखा कि जो उसके बिजनेसेस थे उसके अंदर जो है 115 में से सिर्फ 5 या 6 कस्टमर्स थे जो उसे 80% का ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, और बाकी सारे कस्टमर जो है ना वो उसको सरदर्दी दे रहे थे। तो उसने कहा कि ये प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं उनमें से 80% चीज़ें जो है ना अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपना सिलेबस उठाएं तो सिलेबस के अंदर अगर आप 3-स्टार टॉपिक देखेंगे तो वो 20% ऑफ द सिलेबस में से आपका 80% ऑफ द एग्जाम कवर होगा। ये सारा फिनोमेना जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। पार्किंसंस लॉ, द वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन। ये पार्किंसंस लॉ है क्या चीज़? अगर आपने कोई भी असाइनमेंट बनानी है और आपने कहा है कि मुझे 2 महीने लगेंगे उस असाइनमेंट को बनाने के लिए, और आप उसको 2 महीने तक लटकाते रहते हैं और उसके बाद जो है ना आखिरी दिन जाकर उसको कंप्लीट करते हैं। अगर आप 1 दिन में असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे तो कैसे आपने 2 महीने उसको लटका के रखा? तो बेसिकली अगर आप उसको 1 दिन का पहले भी टाइम दे देते तो आप उसको कंप्लीट कर सकते थे। जब भी आपने कोई भी काम करना तो यू हैव टू सेट एन आर्टिफिशियल डेडलाइन। जब आप एक आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट कर लेते हो आप अपने माइंड को बताते हैं कि यार ये काम जल्दी करना है, यार ये 1 दिन का टाइम है 2 महीने का टाइम नहीं है, तो आप उस काम को लटकाते नहीं हैं, आप जल्दी से वो काम कर लेते हैं। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बजाय इसके कि आपके दिमाग पर बार बार प्रेशर आए उस चीज़ को जल्दी करने की कोशिश में, आप इस तरह कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट करें। बेशक आपको 2 महीने का टाइम हो लेकिन आप कहें कि मैंने इस काम को हफ्ते में कंप्लीट करना और उसके बाद मैंने रिलैक्स होना है। देर आर नो फेलियर्स ओनली फीडबैक। टिम फेरिस ने अपनी बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात की, उसने कहा कि अगर आप जिंदगी के अंदर फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन समझना शुरू कर देना तो आप बहुत जल्दी सक्सेस की सीढ़ी पर चल जाते हैं। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप 90% मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपके 85% मार्क्स हैं तो बहुत अच्छा हुआ है, आपके साथ 5% इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, आपको अब देखना है कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर आप 90% चाहते थे और 90% ही आपके एग्जाम में आ जाता तो आपको वो इंप्रूवमेंट का नहीं मिलता, आपकी स्टैटिक एडवांसमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपका 85% आता है तो यू कैन गो 91, 92। तो जब आप फेल होते हैं तो यू कैन ओनली गेट अ फीडबैक कि भाई अब मेरे कम मार्क्स आए हैं, अब मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है फेलियर्स को एज अ फीडबैक लें। जब आपने गोल सेट करने हैं तो बजाय इसके कोई रियलिस्टिक गोल सेट करें, ऐसा गोल सेट करें जो आपका अनरियलिस्टिक हो। मतलब जब वो आप सोचें तो आप हैरान है कि यार अगर मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा तो मेरे लिए ज़िंदगी क्या बन जाएगी। तो कहता है कि जब आप अनरियलिस्टिक गोल करते हैं तो आपकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, जब आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं तो बाकी लोगों का वो गोल नहीं होता क्योंकि वो एक अनरियलिस्टिक गोल होता है। तो जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ सक्सेस के ज़्यादा चांसेस आते हैं। इस चीज़ को इस तरह डिस्क्राइब किया है कि फिशिंग इज़ बेटर वेयर देर आर लेस फिशरमैन। तालाब के अंदर मछलियाँ वहीं ज़्यादा होंगी जहाँ थोड़े फिशरमैन होंगे। आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके बाद आपको मोमेंटम भी आना शुरू हो जाता है। तो वो अपनी बुक के अंदर कहता है कि अगर आपने ये सोचना है कि मैंने 10 लाख रुपीज़ किस तरह कमाना है, इसके बजाय अगर आप ये सोचें कि मैंने 10 करोड़ कैसे कमाना है, तो वो शायद आपके लिए ईजी होगा क्योंकि 10 लाख के लिए हर कोई एम कर रहा है। तो उसने अपनी बुक को में यही बताया कि बिजनेस वेंचर शुरू करने से पहले आपने उसको बेसिकली अपने गोल्स को बहुत बड़ा रखना है ताकि जो है ना आप उस चीज़ को अचीव करें और आपको मोमेंटम, क्रिएटिविटी, सारी चीज़ें मिलकर आपको पुश करें उस चीज़ की तरफ। रिलेटिव इनकम वर्सेस एब्सोल्यूट इनकम, टिम फेरिस ने बताया है कि अगर 2 बंदे 1 दिन के अंदर 10,000 रुपये कमा रहे हों तो और
एक बंदा 5 घंटे लगा के कमा रहा हो और दूसरा बंदा 1 घंटा लगा के कमा रहा हो, तो दोनों बंदों की इनकम बराबर नहीं है, बिकॉज एक बंदा सिर्फ 1 घंटे के अंदर कमा रहा है और दूसरा बंदा उसी इनकम को कमाने के लिए 5 घंटे लगा रहा है। तो बेसिकली अगर आप डिवाइड करें तो पर और के हिसाब से पहला बंदा जो था उसकी इनकम थी पर और 10,000 और दूसरे बंदे की इनकम थी 2,000 पर और। सो ये बड़ा एक डिफरेंट सा सिनेरियो था मेरे लिए, क्योंकि अब खुद सोचेंगे हम लोग यही सोचते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, हमारे जहन में ये नहीं आता कि रिलेटिव इनकम क्या थी। सो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना, जब आप रिलेटिव इनकम को लेके आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका कितना टाइम फ्री हो सकता है, क्योंकि जब आपका टाइम ज़्यादा फ्री होगा तो फिर आप किसी और वेंचर की तरफ निकलेंगे, फिर आप किसी और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारी जो इनकम है वो रिलेटिव इनकम कम है और हम अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट करके हमारी ये बहुत ज़्यादा आवर्स लगा के हमारी इनकम हो रही है तो उस बंदे से इन्फीरियर है जो कम टाइम में वो सेम इनकम अचीव कर सकता है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपकी इनकम कितनी है, उसके बाद आपका टाइम फ्री हो जाता है। जब आपका टाइम फ्री होता है फिर आप सोच सकते हैं कि मैंने कौन सी चीज़ कब कहाँ और कैसे करनी है, और जब कब कहाँ और कैसे है ये आपका फ्रीडम लेके आती है, आप अपने टाइम के साथ कुछ भी कर सकते हैं और फिर वो इनकम एड ऑन होना शुरू हो जाती है। न्यूज़ सेलेक्टिव इग्नोरेंस, उसने कहा कि जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी को जो है ना अपने दिमाग के अंदर फिल कर लेते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन से फिल कर लेते हैं जो बिल्कुल यूजलेस होती है, तो आपने एक सिलेक्टिव इग्नोरेंस की तरफ जाना है। वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन डाइट करें, ऐसी डाइटिंग करें जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को नो करें, न्यूज़ मत पढ़ें, बहुत ज़्यादा जो है ना अग्रेसिवली चीज़ों को मत देखेंगे कि क्या चीज़ है क्या चीज़ है, बल्कि सिलेक्टिव इग्नोरेंस रखें, कुछ चीज़ों पर आप अपनी तरफ रखें ताकि आपके दिमाग पर वो बोझ न डालें। जब आपके दिमाग का एक पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया ना तो उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें जो है ना मान पड़ना शुरू हो जाती हैं, और जिस चीज़ पर आपने सही फोकस करना है तो उसकी तरफ से जो है ना आप इग्नोरेंट होना शुरू हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर ना पॉजिटिविटी लाने के लिए न्यूज़ की नेगेटिविटी से तो लाजमी बचें। गेट कंफर्टेबल विद द साइको सोशल डिस्कम्फर्ट, मतलब जब आपको कभी डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाए तो उससे आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें लाएं जो आप डिस्कम्फर्ट आपको करें। मसलन अगर आपको एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बाकी लोगों को अनईजी कर रहा है तो आपको भी अनईजी कर रहा है, लेकिन उस काम को करें क्योंकि उस काम में मैक्सिमम बेनिफिट होता है। छोटी छोटी चीज़ों को अपने साथ होने दें और जब आप होने देंगे तो आप बड़ी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं और वहां जाके पुश करें, लोग जो है आपकी तरफ देखेंगे और आपको हैरान होंगे कि क्या कर रहा है, तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन जो है ना वो आपको आगे चीज़ें चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देंगे। मिस्टेक्स करना शुरू करें, जब आप मिस्टेक करते हैं आप लर्न करते हैं। अगर आप कभी गिरे नहीं हैं तो आपने चलना कैसे सीखना है, अगर आप कभी चले नहीं हैं तो आपने दौड़ना कैसे सीखे, तो आपने बार बार मिस्टेक्स करनी है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सके। आखिर में हम दो और लेसन्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक लेसन उसने ये बताया है कि अगर कोई चीज़ फाइन है ना तो वो एक मीडियोकर माइंडसेट है, आपको उस मीडियोकर माइंडसेट से करना है। अगर आप फाइन वाली चीज़ की तरह हैं तो आपको या तो उसे ग्रेट बनाना चाहिए या उस चीज़ को चेंज करके कोई अपनी जिंदगी के अंदर ग्रेट चीज़ लानी चाहिए। नहीं, जॉब से कुछ नहीं है तो यू शुड चेंज जॉब। आपकी जॉब ऐसी होनी चाहिए जो आपको सुबह उठ के एक्साइटमेंट दे, आपकी अंदर बिजली के कड़ाके पैदा कर दे और आप मोटिवेट होकर उठ के खड़े हो जाए, माँ के आपकी ऐसी जॉब हो जो कहें बस चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा लेसन जो उसने कहा कि जब आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस करना शुरू कर देते हैं उन ऑप्शन पर, और बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना जो है ना और ज़्यादा नुकसान देता रहता है। इस तरह बिजनेस के अंदर जो है ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑप्शन अपने कस्टमर्स को दिए हुए ना तो आपके कस्टमर्स जो हैं उनके लिए भी परेशानी होगी, और दूसरा जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ज्यादा आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जितने ज्यादा आपको प्रोडक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे उतनी ज्यादा कस्टमर सर्विस देने, और एक आपने अजीब सा बर्डन जो है ना अपने ऊपर डाल दिया। तो स्टार्ट विद द मिनिमल थिंग, मिनिमल चीजें आपकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए और मिनिमल प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके लिए भी और आपके कस्टमर्स के लिए भी। तो ये बुक द 4-आवर वर्क वीक, एस्केप द 9 to 5, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द न्यू रिच बाय टिमोथी फेरस, इस बुक को आप एक रीड जरूर दें। इस जो है बुक के अंदर और बहुत अच्छे अच्छे लेसन हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये बुक पढ़ें और आप खुद देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। सो बहुत सारे लोगों ने इस बुक को रिकमेंड किया, आई विल रिकमेंड इट टू यू टू। तो अगर आप कोई बिजनेस अपना वेंचर स्टार्ट करें तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, आपने अपने टाइम को इफेक्टिव कैसे बनाना है। ये था इस महीने का हमारा बुक क्लब। अगर कोई लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मेरे से मिस हो गया तो काइंडली कमेंट इन द सेक्शन बिलो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसीडर कि आप इसे सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।